हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटे के नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के बाद ना फ्रेंड्स, आप पिज्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम ये नाश्ता बनाने के लिए ना सबसे पहले इसका हम डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ एक बड़े से थाली में 2 कप आटा ले रहे हैं, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए यूज़ करते हैं। हम वही आटा का यूज़ करेंगे, मैदा का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब आटे के बीच में ना हम इस तरह से स्पेस बना लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने से फ्रेंड्स ना डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और हमारा जो ये नाश्ता बनेगा ना ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो हमने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। और अब इसी के साथ इसमें हम ऐड कर रहे हैं दही। तो यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। तो बिल्कुल फ्रेश हम दही का यूज़ कर रहे हैं, खट्टी दही का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ इसमें हम 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे ऑयल, ताकि हमारा जो ये डो है एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हमने ऑयल भी ऐड कर दिया है, और अभी से हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथों को आप पहले ही अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही अच्छे से इसे मिक्स करें। तो सारी चीज़ों को पहले हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप दूध, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध नॉर्मल टेम्परेचर का ही यूज़ कर रहे हैं, ना गर्म लिया है ना ठंडा लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इस तरह से हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे डो जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है, मीडियम टेक्स्चर का रखना है। तो यहाँ पे हमने आटे को ना अच्छे से नीड कर लिया है, और बिल्कुल सॉफ्ट चिकना हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है। तो हम यहाँ पे डो को ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे, इससे हमारा जो आटा है ना वो ड्राई नहीं होगा। तो हमने इसको अच्छे से घी या ऑयल लगा करके मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस पर अच्छे से घी लगा लिया है, इसे चिकना कर लिया है, और अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो डो है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। हमने जो 1 कप दूध लिया था ना, उसमें 2 बड़े चम्मच के करीबन दूध जो हमारा बच गया है उसको हम रख देते हैं साइड में। तो अब यहाँ पर हम डो को ना कवर कर देते हैं, कवर करके इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक डो हमारा सेट होता है, हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बाउल ले रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, और साथ ही हम इसमें 1/2 कप ऐड कर रहे हैं स्वीट कॉर्न। और अब इसी में हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के करीबन पनीर। तो हम पनीर को इस तरह से ग्रेट करके ऐड करेंगे। तो इसमें अपने मनपसंद की जो भी आप सब्जियां यूज़ करना चाहते हो फ्रेंड्स, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने पनीर को इस तरह से ना ग्रेट करके ऐड कर दिया है। और अब इसी के साथ इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हम यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। तीखा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसी में हम ऐड कर रहे हैं 1/2 कप मोजरेला चीज़। बहुत ही बढ़िया चीज़ का ना इसमें टेस्ट आता है, बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह ये हमारा जो है ना नाश्ता बनके तैयार होगा। इसमें हम 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं मिक्स हर्ब, और 1 टीस्पून ऐड कर दिए हैं काली मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं कुटी लाल मिर्च, और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से स्पून की हेल्प से ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारी स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमारा आटा जो है ये भी सेट हो गया है, तो एक बार इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम हाथों से इसे अच्छे से एक बार नीड कर लेंगे। तो हमारा आटा यहाँ पे एकदम से चिकना हो गया है, और इसका टेक्स्चर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ना छोटे छोटे इसके बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ये नाश्ता आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जिस साइज़ में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो हम इस तरह से ना नॉर्मल मीडियम साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और इसी तरीके से ना हम सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो सारे हमने इक्वल साइज़ के बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं, और अब इसे हम कवर कर देंगे, कवर करके और साइड में रखेंगे। और यहाँ पे हम नाश्ता जो है ना बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम ना एक बॉल्स लेंगे, और ड्राई आटा में हम इस तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम ना इसे पूड़ी के साइज़ का बेल लेंगे, बहुत बड़ा नहीं हमें बेलना है, पूड़ी के साइज़ का ही हमें बेलना है।
तो हमें इसे ना बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे ना तो ये कच्चा रह जाएगा, और बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे ना तो बहुत ही जल्दी ये जल जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह का इसका जो है ना थिकनेस रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स हम इस तरह से ना स्पून की हेल्प से ही जो है स्टफिंग ऐड करेंगे। आप इसमें जितना फीलिंग ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और आप चाहें तो इसमें और भी जो है ना चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ के आप इसमें क्यूब्स ऐड कर सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा ये चीज़ी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से ना हम इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह देखिए हमने कलियाँ बना करके अच्छे से इसको हम पिंच कर लेंगे, और अच्छे से हमने इसे प्रेस कर लिया है। हमारा ये देखिए एक नाश्ता यहाँ पे तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे जो है ना बना करके बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो एक और हम आपको बना करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हमने सेम बॉल्स को यहाँ पे ड्राई आटा में अच्छे से कोट कर लिया है, और इसको हमने पूड़ी के साइज़ का बेल लिया है, और इसमें भी हम इस तरह से ना 1 से 2 चम्मच स्टफिंग अच्छे से फील करेंगे। इसमें जितना ज़्यादा स्टफिंग रहेगा ना फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब इसको भी हम ना इस तरह से इसके किनारे जो है उठाते हुए अच्छे से पिंच करते जाएंगे। तो बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है इस नाश्ता को बनाना। 10 से 15 मिनट में आपका ये नाश्ता जो है ना झटपट बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे बच्चों को ना टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप इसे शाम को ना इवनिंग स्नैक में बना सकते हैं। बच्चे इसे पेट भर खाएंगे और साथ में हेल्दी भी है, बिल्कुल जीरो ऑयल ये रेसिपी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ना फ्रेंड्स सारे जो है बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। तो अब इसको हम चलते हैं फ्रेंड्स कुक करने के प्रोसेस में। तो हम इस तरह से ना बॉल्स के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह से हम पलट लेंगे, और इसके ऊपर हम ना पानी जो है अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसे तवा पे कुक करना है। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव या कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, बेक करके आप इसको अच्छे से कुक कर सकते हैं, या फिर ऑयल में इसे फ्राई भी कर सकते हैं। बट हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो बिल्कुल भी हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ इसे तवे पर बना रहे हैं। तो जिस साइड हमने पानी लगाया है उसको हम इस तरह से पलटते हुए तवे के साइड में रखेंगे, और यहाँ पे हमने 3 एक साथ जो है ना बॉल्स ऐड कर दिया है। और अब इसे हम ना हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि तवे पे अच्छे से चिपक जाए, और जब ये नीचे से हल्का सा कुक हो जाए ना उसके बाद इसको हमें इस तरह से ना पलटते हुए तवे पर सेकना है। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम इस तरह से ना घुमाते हुए इक्वल साइड से हमें सेकना है। आप देख सकते हैं अब इस पर स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं। तो बस इसी तरीके से हमें इसके चारों साइड से ना अच्छे से सेक लेना है ताकि ये इक्वल साइड से अच्छे से सेक जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने नाश्ते को ना घुमाते हुए इस तरह से सेक लिया है, और यहाँ पे हमारा ये नाश्ता चारों साइड से अच्छे से सिक गया है, और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी ऊपर से इसका जो है ना लेयर तैयार हुआ है। तो अब इसको हम तवा से ना रिमूव कर लेंगे, तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। तो जो साइड इसके ना अच्छे से सिके नहीं हैं उसको भी हम ना अच्छे से सेक लेंगे। तो इसके जो किनारे वाला पार्ट है ना उसको हम इस तरह से तवा के ऊपर ही घुमाते हुए सेक लेंगे ताकि वो भी कच्चा ना रह जाए, और ऊपर से इसका जो लेयर है एकदम से क्रिस्पी हो गया है, और अंदर से ये नाश्ता एकदम से सॉफ्ट होता है, इसलिए खाने में बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी लगता है। तो जो इसके किनारे वाला पार्ट था उसको भी हमने इस तरह से घुमाते हुए सेक लिया है, और ये नाश्ता खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो अब इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं, और सारे नाश्ता को हम सेम इसी प्रोसेस से बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट में नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसके आगे आप पिज़्ज़ा बर्गर सब खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना सेम प्रोसेस से सारे नाश्ता बना कर रेडी कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम ना थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से घी या बटर लगा लेंगे। घी या बटर लगाने से फ्रेंड्स ना इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, और गर्मा गर्म खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे नाश्ते पे जो है ना वो घी लगा लिया है, और ये हमारा जो है मज़ेदार नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। आप इसे सेजवान चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें, या फिर फ्रेंड्स आप इसे ऐसे ही इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। तो यहाँ पे हमने सारे नाश्ते को बना करके सर्व कर लिया है, गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक नाश्ता तोड़ करके दिखा देते हैं। इसके आप अंदर के स्टफिंग फीलिंग देख सकते हैं, एकदम चीज़ी चीज़ी पनीर और सब्जियों से भरा हुआ ये नाश्ता हमारा एकदम
यम्मी बनके तैयार है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसी आसान रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।